नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साधना न्यूज पर। आज हम हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास। सबसे पहले साधना परिवार की ओर से आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप यशस्वी हो और मध्य प्रदेश में जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आपको संक दिया है, जो लक्ष्य दिया है कि उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है और प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल करना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप कामयाब हों। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आपको लक्ष्य दिया उसको आप प्राप्त करें। हम साधना न्यूज की कोशिश है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जब चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, वो 1 साल पूरा हो गया है। आप लोग मंत्री के रूप में उस विभाग में एक लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, और आपने क्या क्या कल्पनाएं की थी, क्या योजनाएं थी आपकी इस 1 साल में? आपको चूंकि कोरोना जब सत्ता में आए थे आप, उस समय कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, आज भी कोरोना है, लेकिन उसके बाद भी इन विषम परिस्थितियों में आपने जो काम किया है उस पर क्या है? आपका भविष्य की योजनाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका साधना न्यूज पर स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश में जो उच्च शिक्षा के जो कार्य चल रहे थे और उसमें कोरोना के कारण व्यवधान आया, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप युवा तरुणाई के प्रतीक हैं और आपसे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे उच्च शिक्षा विभाग में एक नई परंपरा बनेगी और एक नई दिशा मिलेगी? नमस्कार। पहले तो धन्यवाद आपको मेरे जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना व्यक्त करने का। लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना जैसे कठिन काल के बावजूद भी यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से सरकार चलाई है, उसमें हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी जिस प्रकार से अपनी कठिन परिस्थितियों में एक नया अनुभव लेकर के आगे बढ़ा है। आमतौर पर हमारे जब बच्चे भी, पूरा समाज डरा हुआ है, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है, परीक्षा मुहाने पे थी, ऐसे में सब कुछ लॉकडाउन के भरोसे जब चला गया तो वाकई एक अद्भुत और अलग टाइप का माहौल था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने परीक्षा का एक नया पैटर्न दिया है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से ये चुनौती में से अवसर निकालना जो यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना रहती है, उसी को हमने लागू करते हुए ये बात एक तरह से स्थापित की है कि हमने उस उनकी चुनौती के उस कार्यकाल में परीक्षा को कराना और बगैर कोरोना के प्रभावित हुए 20 लाख बच्चों की परीक्षा करा करके हमने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और वो परीक्षा थी ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की, और आपको बताना चाहेंगे कि वो परीक्षा प्रणाली ऐसी लागू की गई जिसमें हमने मेरिट भी कायम की, योग्य बच्चों का नुकसान भी नहीं हुआ। और ओपन बुक का मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी कर देना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50% क्वेश्चन यूजी पीजी फाइनल के हमने जो एग्ज़ाम कराई थी उसमें से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के जो एवरेज मार्क्स है उसका एवरेज निकाला गया। जैसे मान लो सेकेंड क्लास बच्चा है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सेकेंड क्लास के 50 नंबर, और 50 नंबर हमारे जो ओपन बुक से वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके लाया। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बच्चे भी उसमें जो अयोग्य थे वो फेल भी हुए, जो योग्य बच्चे फर्स्ट क्लास के वो फर्स्ट क्लास हुए, जो सेकंड क्लास के वो सेकंड क्लास हुए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने परीक्षा भी संपन्न कराई, वर्चुअल पढ़ाने के लिए हमने प्रशासनिक अकादमी को जोड़ करके आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से वर्चुअल क्लासे भी चलाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से हमारे अपने कई चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लिए हैं, जिन कामों के लिए हमने आपको समय रहते अलग अलग प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। माननीय मंत्री जी, एक बहुत प्रयास कर रहे हैं और उच्च शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में ये प्रयास किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी प्रयास किया, इसके पहले जिस जिस के पास भी उच्च शिक्षा विभाग रहा उनकी योजना थी कि जन जन तक शिक्षा तो पहुंचे ही, साथ में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। क्या इस दिशा में भी आपने, चूंकि आपका प्रयास तो ये है ही, लेकिन इसके साथ एक नई माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है और वो जल्द ही जल्द से पूरे देश में, मध्य प्रदेश बहुत तेजी से उस पर काम कर रहा है, इस पर आपकी क्या योजना है भविष्य की? देखिए, आपने एक साथ दो प्रश्न मिक्स कर दिए, मैं दोनों का क्रमश से उत्तर देना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि जो शिक्षा के साथ रोजगार जोड़ करके बात की जाना चाहिए जी। हमने विवेकन करियर गाइडेंस के माध्यम से लगभग 18,000 बच्चों की प्रशासनिक अकादमी को बीच में देखते हुए वर्चुअल रूप से 50 घंटे की ट्रेनिंग कराई। इसमें लगभग 18,000 से ऊपर छात्र और 1,500 प्राध्यापक, अर्थात 20,000 के आसपास लोगों को ट्रेनिंग कराई गई थी। मैंने शुभारंभ किया, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसका समापन किया था, जिसके माध्यम से हम रोजगार देख रहे हैं। ये तो हुई सीधे सीधे रोजगार की बात। फिर हमने अपने अलग अलग महाविद्यालयों में भी एक एक प्लेसमेंट अधिकारी की नियुक्ति की है, जो जिले जिले में अपनी ड्यूटी
बजाय उनको अपने रेगुलर अतिरिक्त जो प्राध्यापक है जो पढ़ाने में हमको फ्री थे उनको हमने इस लाइन पे जोड़ा है कि वो अपने प्लेसमेंट पे ध्यान दे, लोगों को जो जिस नेचर का है उसको उस नेचर की पढ़ाई का कॉलेज वाइज वो प्लेसमेंट सेल काम करेगा। एक गाड़ी भी दे करके हमने 52 जिलों में इनकी नियुक्तियाँ कर दी है। उसी प्रकार से रोजगार मेले लगाएंगे, जो रोजगार परक सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को खुलवाने में भी उनकी भूमिका रहेगी, अलग अलग संस्थानों से संपर्क करके उनको उस तरह से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। दूसरा, नई शिक्षा नीति को आपने जोड़ा है। नई शिक्षा नीति वास्तव में ये भाग्य की बात है, यशस्वी मुख्यमंत्री ने समय परक निर्णय लिया जिसके आधार पर ये जो हमारे अपने वर्तमान के कोर्स हैं उन कोर्सों में बहुत बदलाव आएगा और ख़ास करके हर एक साल की कीमत होगी। अभी 3 साल की डिग्री कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर बच्चा है और फाइनल नहीं देता तो उसका 3 साल बेकार हो जाते हैं। दूसरा, हमारी बंधन की सीमा अभी है। उदाहरण के लिए हमने MBBS करना है तो संगीत की इच्छा तो मैं संगीत नहीं पढ़ सकता हूँ। कोई बी करने वाला बच्चा है अगर उसको साइंस की इच्छा है वो बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट तो वो बायोलॉजी नहीं कर सकता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के कोर्स का डिजाइन करने का अभी जो समय है उस समय में ये नई शिक्षा नीति इस बात की गुंजाइश देती है कि आप अपना पढ़ाई का जो आप जिस तरह से चलना चाहना चाहते हो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसमें खास करके ऐसा भी है कि जैसे मैंने 12th में BE करा है, बायोलॉजी से या मैथ से मैंने अपनी पास की है और अब मैं BA करना चाहता हूँ तो मुझे BA नहीं कर सकता, लेकिन अब ऐसा गुंजाइश आ गई है कि अगर आप 12th तक साइंस पढ़े हो और आपको BA करना है तो BA में भी आपको पढ़ाई की गुंजाइश, क्योंकि आप पहले से वो कोर्स कंप्लीट कर लें। मैंने बायोलॉजी से 12th पास की और मुझे BE करना है, गणित नहीं पढ़ा मैंने, तो अगर मेरे को इंजीनियर बनना तो मैं 12th के बाद BE करने के लिए अगर मैं गणित का पहले से कुछ एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ, पढ़ाई लेता हूँ तो मुझे BE करने की गुंजाइश दे देंगे। अर्थात इसमें बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया है और हर एक साल का, जैसे 4 साल का डिग्री कोर्स किया है लेकिन 4 साल के डिग्री कोर्स के भी 4 टुकड़े कर दिए हैं। पहले साल में सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और सही अर्थ में उच्च शिक्षा मतलब शोध सहित पढ़ाई, रिसर्च की जो प्राधान्यता दी है वो अब नई शिक्षा नीति में ली है। तो ये ऐसे और इनमें भी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ जोड़ करके इसको देखने वाली कल्पना की गई है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उस पढ़ने आने वाले बच्चों को रोजगार परक विषय भी डाल दें सिलेबस में ही ताकि उसका लाभ मिल सके। मंत्री जी, एक चीज और, मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने उद्बोधन में कहते हैं और उनका प्रयास होता है कि लंबे समय से, चूंकि वो भी छात्र राजनीति से ही आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं, आप भी छात्र राजनीति से आगे बढ़ के आज उस विभाग के मंत्री के पद पर पहुंचे हैं, इस जो कॉलेजेस थे वो कॉलेजेस में जो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, जो छात्र संघ में एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से स्टूडेंट निकला करते थे और उसमें एक अच्छा नेतृत्व चुना लिया जाता था, आपकी सरकार ने प्रयास किए हैं उसको, अब उसको आगे भविष्य में आपका 2021 और 22 में 23 में कैसी योजना रहेगी आपकी? बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना, उपयोगी बनाना, रोजगार मूलक बनाना और साथ ही साथ पूरे देश के और विश्व के परिदृश्य में उनसे उसकी गुणवत्ता की तुलना करते हुए लगातार गुणवत्ता में सुधार करते रहना, हम सभी मोर्चों पे काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात पर कि लगभग 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ अब हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रही है जिसमें उल्लेखनीय जिनका देश में नाम है अजीम प्रेमजी, सिम्बायसिस, BIT, ऐसे MIT, पूना, ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकारी परंपरागत विश्वविद्यालयों का भी स्तर अच्छा करें और उन पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसी के अलावा प्राइवेट कॉलेज भी, और प्राइवेट कॉलेजों को जिस ढंग से देश में केरल सहित महाराष्ट्र में जिस ढंग से महत्व दिया गया, UP में दिया है, तो जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले कॉलेज खोलने वाले लोग हैं उनको भी कॉलेज में वो अनुकूल माहौल मिले, अर्थात सरकारी कॉलेज में भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हो और प्राइवेट कैंपस भी अच्छे बने जी, हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारे एक सवाल का के आने के पहले ही आपने उसका जवाब दे दिया, मैं उसी सवाल पर आने वाला था कि निजी विश्वविद्यालय का मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया और बहुत बड़े बड़े संस्थान आए, इन संस्थानों के आने के बाद क्या सरकारी जो कॉलेज हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वो क्या प्रभावित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सरकारी कॉलेजों को भी हमने हाथ खोल करके उनको भी पूरे आकाश में उड़ने के लिए मौका दिया है, अर्थात अभी जो परंपरागत डिग्रियों की अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ बनती गई थी
जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा सकती है, एग्रीकल्चर वाले मेडिकल नहीं पढ़ा सकते, मेडिकल और एग्रीकल्चर टेक्निकल नहीं पढ़ा सकते हैं, प्लेन डिग्री नहीं पढ़ा सकते हैं। अब हमने कोशिश की है नए सिलेबस की दृष्टि से सभी विश्वविद्यालय सभी कोर्स पढ़ा सकते हैं जी। और इसका तात्पर्य यह है कि वो गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा दे, सरकारी संसाधन अगर उनके पास है तो वो अपनी सीमित आय में बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं और ज़्यादा फैलाव। आज भी हमारे पास लगभग 16 लाख विद्यार्थी में से 2 लाख ही विद्यार्थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है और कॉलेज में है, बाकी आज भी बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो जब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है तो गवर्नमेंट की क्वालिटी अच्छी करना हमारी जवाबदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं जी। डॉक्टर मोहन यादव जी से ये उम्मीद तो प्रदेश की जनता और देश की जनता कर ही सकती है कि उनका जैसा व्यक्तित्व है उस हिसाब से उच्च शिक्षा में भी सुधार आएगा। एक और सवाल, क्या लंबे समय से मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय और कॉलेज स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं? पिछली बार जब उच्च शिक्षा मंत्री थे ग्वालियर के रहने वाले, उन्होंने प्रयास किया था, जयभान सिंह पवैया जी ने प्रयास किया था कि कुछ भर्ती की जाए और कुछ हद तक स्टाफ की भर्ती हुई भी है, लेकिन अभी भी कमी बहुत है। तो क्या लगता है कि आप अब चूंकि आप सीधे देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो भी कमी पूरी हो पाएगी? निश्चित रूप से हमने गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भर्तियाँ थी रोस्टर का पूरा करने का निर्देश जारी किए हैं और समय सीमा में कोशिश की कि 2 माह के अंदर सभी विश्वविद्यालय अपनी सभी पदों की नियुक्तियाँ कर ले। उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जनभागीदारी में, सेल्फ फाइनेंस में, सभी सेक्टर में हमने कहा है कि हम इसको तुरंत भर्ती करें, क्योंकि वो जो आउटसोर्सेस एजेंसियों से भरने वाला एक पुराना नया प्रयोग था, मेरी दृष्टि में तो वो उपयुक्त तो नहीं है। हमारे विभाग ने भी इसको माना है कि हम बजाय आउटसोर्स से भरने के, क्योंकि आउटसोर्स में अल्टीमेटली क्वालिटी नहीं मिल पाती, जो आते हैं उनके भी जीवन का साथ आगे भविष्य पे प्रश्न रहता है, खिलवाड़ होता है निश्चित रूप से। तो हमने उसमें इस लाइन को रखा है कि बाकी जो रेगुलर भर्तियाँ हैं वो PSC से हम कर लें, इसके अलावा जो अस्थायी टाइप की जो भर्तियाँ हमारे पास है उसके संबंध में भी कोई अच्छा निर्णय करने वाले। बहुत बहुत बिल्कुल, ये मानवीय संवेदनाओं का काम आप जो जिस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग से जो एजेंसियों के थ्रू जो भर्ती की जाती है वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है उस परिवार की, उस बच्चे की, उस लड़की की जो टीचर के रूप में या कर्मचारी के रूप में यूनिवर्सिटीज में आती है लेकिन जीवन भर रेगुलर नहीं हो पाती। ये मेरे ख्याल बहुत अच्छा निर्णय है। एक और सवाल, क्या उच्च शिक्षा में इन 1 सालों में कोई एक ऐसा जो आपने पूरे प्रेरणा बन जाए, कोई एक ऐसा काम हमारे दर्शकों को बताइए जिसके माध्यम से जो एक नई परंपरा को शुरुआत करेंगे? मैंने तो कई काम किए, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली है जो लागू हुई है, ये हमारे पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश राज्य था जिसने ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को लागू करके दिखाया है। अब इसके अलावा भी हमने कई काम किए हैं, जैसे हमने कहा है कि हमारे अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन अतिथि शिक्षकों को हमने नियमित करने के, उनके साथ न्याय करने के लिए हमने कोरोना काल के बावजूद भी सभी अतिथि शिक्षकों को लगातार लगाने का प्रयास किया। तीसरा हमने कहा कि जो प्राध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं वो अच्छे पढ़ाने वाले प्राध्यापक की तरह शासन का ध्यान नहीं जाता है जी। हम न्यूसेंस पे कार्रवाई करते हैं, कोई अवहेलना करता है उस पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन सुयोग्य लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, अच्छे कैंपस रखना चाहिए, सब प्रकार के कॉलेजों के अंदर कोर्स चले इसका प्रयास करना चाहिए, सबके नवीन भवन बने इस पे प्रयास होना चाहिए, जो भवन बन गए उन गुणवत्तापूर्ण सभी प्रकार के प्रैक्टिकल कराने के, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, फर्नीचर, खेल के मैदान, सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनना चाहिए। हम सब पे काम कर रहे हैं और मुझे संतोष है इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे जी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि राजेंद्र कानूनगो जी एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछें। ये जो कॉलेजों में स्टाफ की कमी के बारे में तो हमारे मित्र ने भी प्रश्न पूछा है, लेकिन कॉलेज के स्टाफ की और प्रोफेसरों की और इनकी जो समस्याएं चल रही जिसके बारे में अखबारों में हमेशा आता रहता है कि हमारे इस प्रकार के समिति बना करके या किसी प्रकार से उसको निपटाने का प्रयास किया जाएगा क्या? निश्चित रूप से हमने कहा कि हमारे प्राध्यापक अगर कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तो उनकी परेशानी को समझ करके उसका निदान करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। मैंने अपने विभाग में इस बात के लिए लगातार प्रयास किया है, जो जिस प्रकार की दिक्कतें हो हम दिल खोल करके खुले मन से उसको समाधान की तरफ ले जाएं। यही कारण है कि जैसे हमारे लगभग 850 प्राध्यापक हैं जिनको
अभी सह प्राध्यापक करके मान्यता दी गई, उनको प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर नहीं माना गया है। अब पदनाम का मसला है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वेतनमान में कोई झंझट नहीं है तो क्यों नहीं प्रमोशन होना चाहिए। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर सह प्राध्यापक बन सकता है, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है। फिर परीक्षा अवधि खत्म होना चाहिए समय सीमा के अंदर, वो परीक्षा अवधि 10-10 साल तक लटकी पड़ी है। कई छोटी मोटी वेतन विसंगतियों की बातें वो पेंडिंग रहती है। मेरा प्रयास है कि ये जो विभागीय अंदर की जो कठिनाइयां हैं उनको तुरंत हल करना चाहिए। हम हल करने की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं काफी हद तक। इसी प्रकार से जो हमारे परमानेंट पद हैं, उन परमानेंट पदों को भरने के लिए पीएससी का आयोजन, तो जो सरकार की लिमिट है 5% की, वो हम उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो विषयवार प्राध्यापक जिसके चाहिए उसी को रखना चाहिए। वेटिंग लिस्ट 2017 की क्लियर नहीं हुई थी, मैंने उस वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने का प्रयास किया कि हमारे अगर पद खाली हैं तो क्यों नहीं लगाना चाहिए लोगों को। हमारे जो कार्यकारी प्राचार्य हैं बेचारे, वो 10 साल से प्राचार्य, क्योंकि रोस्टर के कारण से उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, और प्राचार्य नाम के उनको ट्रेनिंग नहीं है, तो उनका हमने का ट्रेनिंग नहीं है। तो अभी हमने सारे कार्यकारी प्राचार्य को, एक कॉलेज में 3 सीनियरों को प्राचार्य को ट्रेनिंग देते हुए प्रयास कर रहे हैं कि हम उन सबके लिए प्राचार्य बनने लायक वित्तीय व्यवस्था का कुशलता कैसे चाहिए, प्रशासनिक दक्षता कैसे आना चाहिए। जन हालात कई बार बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और परिस्थितियां जो बन रही हैं, आपके रहते हैं मुझे अभी तक 1 साल हो गया है, ऐसे हालात नहीं नजर आए, लेकिन लंबे समय से उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और राजभवन के बीच में जो जितने कुलपति होते हैं वो अपने आप को राजभवन का प्रतिनिधि मानते हैं, उच्च शिक्षा विभाग से वास्ता नहीं रखते हैं। इसके कारण, उहापोह के कारण बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कार्य प्रभावित होते हैं। मैं आपसे अंशतः सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग करके नहीं देख सकते। और इसीलिए मैंने कुलपतियों की बैठक अपने आप बुलाई बगैर दिक्कत के, कुलपति की बैठक हुई। पिछले समय में हमने महामहिम के साथ बैठक जब ली कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो उस कमेटी के अंदर भी मैंने हल्की सी इस बात का एहसास कराया, तो महामहिम ने स्वयं ने कहा है कि कोई भी कुलपति विश्वविद्यालय से संचालन के साथ उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा विभाग से जरा भी कोताही नहीं बरते उनके निर्देशों को पालन करने में। हमारा विभाग उनके माध्यम से संचालित होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि महामहिम ने इस भाव को, मेरे भाव को बढ़ाया है। हमारे में उनने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटियाँ और रेगुलर कॉलेज, ये कोई अंतर नहीं है, एक शरीर की दोनों आंखें हैं, इस तरह से हमको लेके चलना है और हम दोनों का विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में और देश भर में, विश्व में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, और आखिरी सवाल में आप मध्य प्रदेश के जो भी छात्र हैं, जो भी कॉलेजेज हैं, क्योंकि संचालन भी जरूरी है और बिना प्रभावित हुए उनका सत्र प्रभावित ना हो, सावधानी रहे और इस महामारी से बच भी सकें, इस पर हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों को और हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सारे स्टाफ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक मौजूद सवाल है। हमारे जो वर्तमान के परिवेश में कोरोना के कारण से कष्ट बढ़ रहा है, माहौल डरावना हो रहा है, पिछले समय का सत्र भी आधा हमारा इसी की भेंट चढ़ गया था, ऐसे में परीक्षा को संचालित करना और अगले सत्र को नियमित रूप से समय पर करना, ये हमारे सामने चुनौती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रखा है और मुझे खुशी है कि कल ही उनने इसकी एक बैठक बुलाई है। कल 4:30 बजे इस सत्र की हम परीक्षाएं यूजी पीजी के सभी ईयर की कैसे करें, इस पे हम निर्णय करने वाले हैं। इसका हमको कल उत्तर मिल जाएगा, ताकि आगामी सत्र की परीक्षाएं भी कर लेंगे और परीक्षा के तुरंत बाद नया सत्र कैसे चालू होगा इसकी डेट भी हम बता देंगे। कोरोना महामारी और इस दौरान उच्च शिक्षा बिना प्रभावित हुए निरंतर कैसे चलती रहे, इस पर डॉक्टर मोहन यादव जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा जा सके। एक सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता से, चूंकि मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से यह आग्रह करूंगा कि एक अपील, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और हाथ धोते रहें, क्योंकि फिर लौटा है कोरोना और इस बार उससे ज्यादा भयानक तरीके से लौटा। एक अपील हम अपने दर्शकों के सामने आपकी तरफ से पहुंचाना चाहते हैं। मेरा आप सबके माध्यम से विनम्र अनुरोध भी है कि हम अपने, न केवल अपने जीवन की, अपने परिवार की, समाज की और प्रदेश की भलाई के लिए शासन के निर्देशों का पालन करें। कोरोना के युग में निश्चित रूप से आवश्यक जो जो निर्देश जारी हुए, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग का
पालन करना, अनावश्यक भीड़भाड़ में नहीं जाना, शासन के निर्देश के अनुसार पालन करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने जिस प्रकार से इन निर्देशों के पालन के बलबूते पर प्रदेश और देश में दुनिया भर से हटकर के पहचान बनाई वो कायम रहेगी और हम अपना भी और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। अब चूंकि वैक्सीन का जमाना भी आ गया है तो मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 45 साल तक के लोगों को अब वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए आप भी अभियान के रूप में लागू करें। अपने घर में बड़े बुजुर्ग अगर हों तो आप उनको निश्चित सेंटर पर भी ले जाएं। और एक और जानकारी, अगर आपकी असुविधा सुविधा में कोई कठिनाइयां है शासन से संपर्क करें, जिला कलेक्टर से संपर्क करें, हम लोगों को बताएं। और प्राइवेट सेक्टर में भी 250 रुपये के शुल्क के साथ आप किसी भी नर्सिंग निश्चित नर्सिंग होम पे भी जाकर के टीकाकरण का काम चल रहा है, वहाँ भी जाकर टीके लगवा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि कोविशील्ड हो या कोई भी दवाई हो जो शासन ने वैक्सीन तय की है उस वैक्सीन का लाभ सबको लेना चाहिए। निश्चित रूप से उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर भी होगा, एक कवच का काम भी करेगा। संघर्ष के दिनों में मध्य प्रदेश और देश जब कोरोना से संघर्ष कर रहा था उन विषम परिस्थितियों में उच्च शिक्षा विभाग की कमान संभाली और उच्च शिक्षा विभाग को नए मापदंड नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के संकल्प के साथ अभी भी डॉक्टर मोहन यादव जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जो अगर कुछ रह गया है तो उसको हमें ऐसा करना है जो मिसाल बन सके और रोजगार मूलक शिक्षा हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आपके एक साल के कार्यकाल से आगे जो नींव का पत्थर बना है वो आगे और बढ़ सके, लोगों को सहयोग मिल सके, लोगों को रोजगार और अच्छी शिक्षा मिल सके, यह संकल्प आपका है। कैमरामैन दशरथ के साथ साहिद और हमारे एसोसिएट एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार, धन्यवाद।